नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शहर भर में खुली मीट एवं मछली दुकानों को एक जगह स्थापित करने के लिए आज नगर निगम कमिश्नर के द्वारा सिविल लाइन थाना के बगल में स्थित मछली मार्केट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौजूद नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अभी मछली मार्केट के साथ साथ मीट मार्केट को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, जब तक कि अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं हो जाता, जिसके लिए लगभग 16 मीट की दुकानों का संचालन जल्द ही यहां शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि सेकंड फ्लोर में मीट मार्केट स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। वहीं शहर भर में संचालित हो रही अवैध रूप से मीट एवं मछली की दुकानों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आज से लगभग एक माह पूर्व घोघर मोहल्ले में स्थित विभिन्न मीट की दुकानों को नोटिस देते हुए दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संयुक्त रूप से दुकानदारों के द्वारा कुछ समय की मोहलत मांगी गई थी, जिसकी अवधि अब लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। वहीं इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर में जो खुली विभिन्न मीट की दुकानों के लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं और जो इन नियमों की पूर्ति करता ना पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मछली मार्केट बनाया गया था नगर निगम में उद्देश्य से कि मछली के व्यापारी यहाँ पर अपना कारोबार करें। ये मेरा पहला निरीक्षण था मछली मार्केट का, ताकि मैं जायज़ा ले सकूं कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। हमने देख लिया है तो अब हम उसके हिसाब से एस्टिमेट्स तैयार करके आगे काम बढ़ेंगे। नवाचार कुछ होने वाला मटन मार्केट का शॉप यहाँ पर, उसी का हम एक जायज़ा ले रहे थे कि हम, क्योंकि मटन मार्केट्स की बहुत शिकायतें रिहायशी क्षेत्रों में आती हैं, क्या हम टेम्प्रेरी तरीके से हमारी जो खाली स्थान है मछली मार्केट में, वहाँ पर टेम्प्रेरी मटन मार्केट शुरू कर सकते हैं, उसको देखने के लिए मैं आई थी। अभी यहाँ 26 दुकानें हैं, जिसमें अभी आप लोगों ने भी देखा 12-13 संचालित हो रही हैं। उसमें हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। देखिए, जहाँ मीट मार्केट में नोटिस दिए गए थे, मटन संचालन के लिए मीट मार्केट स्लॉटर हाउस के लिए लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाना होता है, उसी संबंध में दिए गए थे। हम देखेंगे कि जो ये लाइसेंसेस ले सकते हैं उनको हम संचालन करने की अनुमति देंगे। अभी उनको समय दिया गया है ताकि वो ये निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसेस तैयार करवा सकें। यहाँ दुकानों कुछ निर्माण भी होना है, उसका हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं।